बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली सस्ती होने की तैयारियां। अवाम को रिलीफ देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। महंगी बिजली पैदा करने वाले प्लांट मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। हुकूमत ने 90 की दहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहिदों को खत्म करने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत ने महंगी बिजली के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ तैयार कर लिया। वजीर तवानाई अवैध लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क मुकम्मल कर लिया, जिसके मुताबिक 90 की दहाई में IPPs के साथ किए गए मुआहिदों को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है, जिसका ऐलान जल्द मुतवक्के है। पेशरफ्त के मुताबिक दीगर IPPs कंपनियों के मुआहिदों पर भी नजरसानी पर गौर किया जा रहा है। इस सिलसिले में 201 से जायद यूनिट के सारिफीन के लिए भी फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जिसके मुताबिक 201 से जायद यूनिट सारिफीन को 6 माह तक इसी स्लैब में रखने की पॉलिसी में तब्दीली का फैसला किया गया। 201 से ऊपर प्वाइंट के सारिफीन के लिए खसूसी स्लैब रखी जाएगी। 201 से जायद यूनिट वाले बिजली सारिफीन के लिए 26 रुपए फी यूनिट स्लैब मुकर्रर करने पर गौर किया जा रहा है। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा कि शोबे तवानाई मईशत के लिए अहम है, इसमें इस्लाहात कर रहे हैं और इन इस्लाहात पर अमल भी यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। कौमी टास्क फोर्स शोबे तवानाई में इस्लाहात पर काम करेगी। 20 नुकाती इस्लाहात का आगाज हो चुका है। जितना जल्द मामलात को ठीक करेंगे उतनी ही जल्द मईशत पटरी पर चढ़ेगी। आपको ये मालूमाती रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।